हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अनामिका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। एंड आज है वेंसडे, दिन के अभी 1:30 बज रहा है, अभी से मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से इतने काम थे मुझे। ट्यूसडे मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि ट्यूसडे को भी मुझे बहुत ज़्यादा काम हो गया था। खुद के पर्सनल कुछ ऐसे काम थे जिसमें मैं पूरे दिन इंगेज हो गई थी। एंड आज मॉर्निंग में भी मैं जल्दी उठी हूँ और उसके बाद से फिर मैंने बेबी के खुद के कपड़े लगाए, मशीन लगाया, फिर वो सब आज वॉश किया है क्योंकि कल फिर थर्सडे हो जाएगा। थर्सडे को हम कुछ भी वॉशिंग वगैरह नहीं करते हैं, क्लीनिंग वगैरह नहीं होती है घर की, तो वो सारी चीज़ें आज मम्मी भी पूरे घर की क्लीनिंग में लगी हुई थी क्योंकि फिर फ्राइडे को हमारा तीज का पूजा है, तो उन सब चीज़ों के लिए भी घर क्लीन करना था। तो वो सारी चीज़ों में मम्मी लगी हुई थी, मैं कपड़े वगैरह वॉश कर रही थी। तो करते 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 पूरा दिन निकल गया। अभी जस्ट मैं शावर लेके आई हूँ एंड फिर मैंने सोचा कि जो ड्रेस मैंने लिया है वो आपके साथ अभी शेयर करती हूँ, उसके बाद जाकर के मैं कुछ लंच वगैरह लूँगी। तो मैं सुपर टायर्ड हो चुकी हूँ मैं बिल्कुल। एंड मंडे को आने के बाद रात को डिनर वगैरह प्रिपेयर किया था, उसके बाद मैं कुछ भी व्लॉगिंग नहीं करी थी। ट्यूसडे को तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। फिर आज मैं सोच रही हूँ कि चलो शेयर कर देते हैं क्योंकि फिर कल थर्सडे हो जाएगा, ये वाली वीडियो आपको कल मिलेगी या होपफुली आपको फ्राइडे को मिलेगी। जब भी पोस्ट हो, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एडिट करूँगी उसको, क्योंकि एडिटिंग का सबसे बड़ा पंगा हो जाता है, उसके लिए ना टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है। एंड इसलिए मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से शेयर कर देती हूँ ताकि आप देख लोगे कि मैंने क्या लिया है, अदरवाइज़ फिर आप मेरे डायरेक्टली तीज वाले ब्लॉग में देखोगे। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि नहीं, चलो चलो फटाफट से आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो ड्रेस मैंने लिया है और मम्मी के तरफ से जो मैंने लिया था ना, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन मम्मी की तरफ से जो मैंने ड्रेस लिया था ना, उसको एक्चुअली मुझे रिटर्न करना है, क्योंकि क्यों रिटर्न करना है वो मैं आपको ड्रेस दिखाने के बाद बताती हूँ। तो चलिए फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी की तरफ से मैंने क्या लिया है। हर तीज में मम्मी देती है, मुझे भी देती है, दी को भी देती है ड्रेस। तो इस बार ही मम्मी हमेशा मैक्सिमम टाइम में मम्मी ने पैसे ही दिए हमें, दी को तो पैसे ही भेजती है। मुझे मार्केट लेके जाती थी जो भी मैं पसंद करती थी। लास्ट टाइम की ड्रेस भी मैंने आपके साथ शेयर करी है, बट इस टाइम मैंने ऑनलाइन परचेस किया था। तो ये वाली ड्रेस मैंने मम्मी की तरफ से लिया है। देखो ये रेड कलर की ना कुर्ती एंड नीचे ना प्लाजो नहीं कहेंगे, शरारा काइंड ऑफ है। एंड ये कपड़ा बहुत अच्छा है, ये मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये बहुत ही सही कपड़ा है, कॉटन मटेरियल है इसका। बट इस प्रॉब्लम क्या है ना कि इसकी जो क्वालिटी है, कपड़े की जो क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा मुझे लग रहा है। ये 1499 का है, 1500 का है, बट फैब्रिक जो है वो मुझे बिल्कुल भी उतना कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि कॉटन में भी बहुत वैरायटीज़ के यू नो फैब्रिक होते हैं। कुछ थिक फैब्रिक होता है, थिन होता है, तो ये ना बहुत थिन वाला कॉटन है। तो इस वजह से मुझे ना ये प्राइस के अकॉर्डिंग, मतलब ये ना मुझे इसका वैल्यूएबल प्राइस नहीं लगा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको रिटर्न करूँगी। ये कुर्ता है और ये ना पूरा ये इस तरफ से यहाँ पे ना लेस लगा हुआ है और पूरे में प्रिंट ये जो बंदेज वाली प्रिंट होती है ना, चुंदरी प्रिंट, वही चुंदरी प्रिंट है। एंड इसके ना पूरे नेक पे ये वर्क किया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी है पूरा में, प्रिंटेड है। पता नहीं आपको इसमें क्या दिख रहा है कैमरे में, बट ये प्रिंटेड है। जो बंदेज कपड़ा होता है ना बस वही है, चुंदरी है, बट इसका जो फैब्रिक है ना ये बहुत ज़्यादा थिन फैब्रिक है, मतलब बहुत थिन कॉटन है। तो मुझे इसका प्राइस 1500 के लाइक तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको रिटर्न में डाल दूँगी। और इसके बाजू पे भी ऐसा वर्क बना है, तो डिज़ाइन लुक वाइज मुझे बहुत सही लगा था, बट कपड़ा भी सही है इसका। मुझे जितना मैंने जो भी ऑनलाइन परचेस किया है, बहुत सारे ड्रेस मैंने परचेस किए हैं, कुर्ती प्लाजो वगैरह मैंने बहुत सारे लिए हैं, तो उसका मुझे 600-700 में ना इससे भी बेटर बेटर ड्रेस मिले हैं। तो ये इसका प्राइस मुझे ना 600-700 के करीब करीब से लग रहा है। अगर उतने का होता तो मैं रख लेती, अदरवाइज 1500 का तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इसका ये कुर्ती है एंड इसके साथ ना ये काइंड ऑफ शरारा टाइप का है, इसके आगे ना ये ऐसा है, ये लगा हुआ है। तो डिजाइन काफी अच्छा है, डिजाइन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिजाइन बहुत बुरा है, नीचे पूरा इस टाइप का है, पूरा फ्लेयर्स काफी अच्छा है इसमें। ये देखो इसका नीचे कुछ ऐसा है, तो डिजाइन वाइज काफी अच्छा है, बट ना
मुझे इसका फैब्रिक कुछ खास पसंद नहीं आया, और इसके साथ ये मास्क भी आया था तो ये मैंने लिया था मम्मी की तरफ से, बट मुझे कुछ खास इसका फैब्रिक कुछ खास नहीं लगा है। लुक वाइज बहुत ही सही है, बहुत ही अच्छा, कुछ ज़्यादा ही है, तो मैं इसको रिटर्न में डाल रही हूँ। और मैंने जो लिया है इसको मैंने रिटर्न में डाल करके मैंने कुछ और ऑर्डर कर लिया, तो वो जब आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं क्या लेके आई हूँ वो मैं आपको मैंने जो लिया है ये भी काइंड ऑफ शरारा है, कुर्ती और शरारा है नीचे। मुझे कुछ ऐसा ही लेना था क्योंकि मैं साड़ी बिल्कुल नहीं लेने वाली थी इस बारी, तो मैंने यही लिया है। ये इसका बिल है, ये देखो, पता नहीं आपको कैसा लगेगा, जो भी लगेगा आप बताना कि आपको कैसा लगा, ठीक है। ये कुर्ती है ऊपर की, मैंने फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा, ये आपको डल कलर लग रहा होगा बट ये डल नहीं है, इसके साथ पिंक का कॉम्बिनेशन है ना, इससे ये मुझे ना काफ़ी मतलब बहुत एनहेंस कर रहा है ये लुक। अगर मैं वेयर करूँगी तो आपको मैं वैसे फ़ोटोज़ वगैरह तो मैं शेयर करूँगी, ब्लॉग तो आप देखोगी मेरा तीज का, तो उसमें आपको प्रॉपर लुक पता चलेगा कि ये पहनने के बाद कैसा लग रहा है। तो ये ऊपर का ये कुर्ती है, स्लीवलेस कुर्ती है, इसके नेक पे पूरा ये लेस है, पूरा ये लेस बना हुआ है, और ये कौन सा कपड़ा फैब्रिक मुझे इसका कुछ समझ नहीं आ रहा है। चंदेरी का जो कपड़ा होता है ना, चंदेरी का जो फैब्रिक होता है ना, चंदेरी कॉटन वो है। तो ये स्लीवलेस है पूरा, और स्लीव पीस में दिए हुए हैं, अगर मतलब मैं चाहूँ तो इसमें अटैच कर सकती हूँ। ये का वर्क है, ये नीचे ये मोतियों वाली ये लेस लगी हुई है, उसके बाद ये कोटा पट्टी है, एंड मुझे ये काफ़ी पसंद आया, और ग्रे के साथ ये पिंक का कॉम्बिनेशन है, तो पहनने के बाद ना ये बहुत सही लगेगा, ये मुझे पता है। और इस तरह का ये कुर्ती है, तो ये है इसके ऊपर की कुर्ती, और नीचे का है ये शरारा। ये नीचे का इसका शरारा, काफ़ी घेर है, काफ़ी ज़्यादा घेर है इसमें, काफ़ी फेयर्स हैं इसमें, तो ना इसके नीज के पास से ना इस तरीके का वर्क है, नीज से थोड़ा नीचे इसका, या नीज के पास ही इस तरीके का इसका वर्क है, और फिर नीचे ये है पूरे में ये कोटा पट्टी लगा हुआ है। तो ये इसके नीचे का ये शरारा, और इसकी चुन्नी ये पिंक कलर की चुन्नी है, ये नेट की चुन्नी है, नेट की चुन्नी है। तो ये लिया था मैंने, मेरे हस्बैंड को भी पसंद आया था, उनको मैंने वहाँ पे वीडियो कॉल किया था, तो उन्होंने उनको भी ये पसंद आया था, जितने भी ड्रेस थे उसमें सबसे अच्छा मुझे यही लगा इसका। एंड इसका प्राइस मुझे पड़ा है 3595, 3600 का ये ड्रेस है, एंड ये वाली मैंने ली है किस शॉप से ली है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। श्री श्याम साड़ी हाउस से मैंने लिया है, मोती झील में है, बुनी मार्केट में है, वहाँ से मैंने लिया है। और ये बात इससे बहुत सिमिलर एक ड्रेस मैंने देखा था ऑलरेडी उस शॉप में, तो मुझे आइडिया था कि मुझे जो लेना है वो वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं दो शॉप में गई थी, बट वहाँ पे मुझे कुछ भी ढंग का नहीं मिला, और फिर थर्ड टाइम मुझे तो पता ही था कि इस शॉप में जो मुझे चाहिए वो मिल जाएगा, तो फिर इसलिए फिर लास्टली मैं यहाँ पे गई, और जो भी मुझे पसंद आया वो वहाँ से मैंने उठा लिया। तो ये लिया है मैंने ड्रेस, इसके साथ की बैंगल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बैंगल्स भी काफ़ी प्यारी है। ये है बैंगल्स, बिल्कुल मैचिंग करवा के मैंने लिया था, ये बैंगल्स है, प्यारी है ना बिल्कुल, और जो कलर जिस कलर की ड्रेस है सेम बिल्कुल मैंने मैचिंग करके लिया है ना प्यारी। और इसका इस ड्रेस का ना कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद आया, और सेम लकीली मुझे इस ड्रेस का ये बैंगल्स मुझे मैचिंग मिल भी गया। ये मुझे 700 का पड़ा है, ये भी मैंने बुनी मार्केट से ही लिया था, मुजफ्फरपुर के मोती झील के बुनी मार्केट से, तो ये 700 का ये बैंगल्स मैंने लिया है, कैसा लगा आपको बताना ज़रूर।
एंड जो भी और कॉस्मेटिक्स वगैरह थी तो वो मैंने ऑलरेडी लिया हुआ था, और ज़्यादा कुछ कॉस्मेटिक्स मैं इस बार ली भी नहीं हूँ क्योंकि अब उतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं रेडी वगैरह हूँ. कभी अगर हो गया फंक्शन वगैरह तो मैं हो जाती हूँ रेडी, या कुछ ओकेज़न हो गया तो मैं हो जाती हूँ रेडी, अदरवाइज़ इतना टाइम मुझे नहीं मिलता है. और जो इयररिंग्स लिया है मैंने, ये वीडियो में मैंने शेयर किया था, ये वाली इयररिंग्स है, अच्छी है ना. वैसे तो हम लोग में हमारे यहाँ क्या होता है, तीज वगैरह हो गया या फिर कुछ शादी वगैरह हो गया तो हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि हम गोल्ड ही प्रेफर करते हैं पहनना. बट इस बार मैं इतना गोल्ड हर जगह तो मैं कैरी करके जाऊँगी नहीं, और यहाँ पे भी मैं इतने टाइम के लिए नहीं आई थी तो मैं दो तीन चीज़ें गोल्ड की ही बस कैरी करके चलती हूँ. दो छोटे मोटे जो टॉप्स होते हैं इयररिंग्स के वो, और एक छोटा सा मेरा मंगलसूत्र वो, और दो एक दो रिंग, बस मैं इतना ही अपने वॉलेट में कैरी करके चलती हूँ कि कहीं मुझे जाना हो गया या ससुराल में मुझे जाना है या फिर कहीं भी मुझे जाना है तो मैं फटाफट से पहन लूँ, क्योंकि मैं हर वक्त नहीं पहन के रह सकती. मुझे ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगता है, और चेन वगैरह डाल लूँ तो मुझे ना रैशेज होने लगते हैं, इसलिए मैं हर वक्त कैरी नहीं करती हूँ. तो मैं वॉलेट में ज़रूर से रखती हूँ कि अगर मुझे ससुराल जाना है तो वहाँ पे तो पहनना ही होता है, तो वहाँ जाकर के मैं फटाफट से निकाल के पहन लूँ, मुझे फिर उसके लिए अलग से फिर निकाल के रखना ना पड़े. तो मेरे वॉलेट में दो तीन चार चीज़ें रहती हैं कि मुझे कहीं अगर अर्जेंटली जाना है तो मैं फटाफट से कैरी कर लूँ, तो बस उतनी ही चीज़ें लेके मैं कैरी करती हूँ. अदरवाइज सारी ज्वेलरी तो ऑब्वियसली कोई लेके नहीं जाता ना, तो इसलिए मैंने ये ले लिया है, ये मैचिंग हो जाएगा इसके साथ. और मेरे पास छोटा मंगलसूत्र है एक, जो छोटा सा मैंने बनवाया हुआ है, तो वो उस दिन कैरी करूँगी. और इसलिए और इस ड्रेस के साथ बहुत लाइट ज्वेलरी ही सही लगेगा, इतना बड़ा बड़ा भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. साड़ी वगैरह पहनती तो उसके साथ ज्वेलरी थोड़ा सा यू नो मैच कर जाता है, बट इस ड्रेस के साथ मैं इतने इतने बड़े बड़े ज्वेलरी तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. तो ये था मेरा छोटा मोटा सा तीज का शॉपिंग. ये सारी ड्रेस आपको कैसा लगा बताना ज़रूर. आप लोग क्या क्या पहनने का सोच रहे हो वो भी शेयर करना. बहुत लोगों ने बोला है कि वो साड़ी कुछ लोगों ने लिया है, कुछ कुर्ती काइंड ऑफ ड्रेस ले रहे हैं, तो आप भी शेयर करना कि आप क्या पहनने वाले हो तीज में, और मेरी ये ड्रेस कैसी लगी वो भी आप बताना. तो चलिए फिर, ये सारी चीज़ें मैं जा रही हूँ फटाफट से समेटने, और आज बहुत काम भी है. आज मम्मी अभी हेयर कलर करके अपनी बालों को सुखा रही हैं, और फिर रात को मैं उनको दोनों हाथों में मेहंदी लगाऊंगी. कल थर्सडे है ना, तो कल मैं खुद के एक हाथ में भी एटलीस्ट शगुन कर लूँगी. मेहंदी लगाने मुझे नहीं आती है, तो मम्मी के तो दोनों हाथों में थोड़ी थोड़ी शगुन की मेहंदी लगा दूंगी, और अपने हाथ में तो एक ही हाथ में मैं लगा पाऊंगी. तो देखती हूँ, लास्ट टाइम की तीज की ब्लॉग आपने देखी या नहीं बताना. उस टाइम में मैं बहुत अच्छे से रेडी हुई थी यार, बहुत मज़ा आया था. बट चलो कोई नहीं, ये भी तीज मतलब कुछ वैसा कुछ रेडी नहीं हो रहे हैं, बट इन्जॉय तो हम करेंगे ही ना. अब फेस्टिवल है तो वो सारी चीज़ें तो सेम ही करनी होंगी. फास्टिंग तो रखना ही होगा, पानी बिल्कुल नहीं पीना होगा, एंड पूजा वैसे ही करना होगा, तैयार वैसे ही होना होगा. तो चलो कोई नहीं, कभी बहुत ज़्यादा और कभी कुछ से ही काम चलाना पड़ता है ना. तो आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी बताना. और चलिए फिर जा रही हूँ फटाफट से लंच ले रही. 2 बज गए, अरे देखो 2 बज गए, मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही है. मैं जा रही हूँ फटाफट से खाने, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर लग जाऊँगी मम्मी को मेहंदी लगाने में, और कल मैं लगाऊँगी खुद के हाथों में मेहंदी. तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे मैं थोड़ी देर में.